हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्य जोशी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं, जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी के लिए मथुरा के फेमस पेड़े बनाएंगे। और जैसे वो ब्राउन होते हैं उसी तरह के ऐसे बनाएंगे, पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले मैंने एक बड़ी कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, ये आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। और आधी से पौनी कटोरी मैंने दूध का लिया है जिसमें मलाई भी है थोड़ी बहुत। और हाफ कटोरी मैंने ब्राउन शुगर ली है, ब्राउन शुगर इन द सेंस कि देसी खांड मैं डालूंगी इसमें। आप नॉर्मल शुगर भी पीस के यूज़ कर सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच इसमें जाएगा देसी घी। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। सबसे पहले एक पैन को मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया है, इसके हीट नॉर्मल ही रखें। और इसमें जाएगा 1 चम्मच देसी घी। और अब मैं इसमें डालूंगी दूध पाउडर। अब इसको ब्राउन होने तक मीडियम और स्लो आंच पे भूनना है। इसको इस तरह से दबाते हुए ताकि ये इवनली बिल्कुल सिक जाए। और बीच बीच में 1-1 चम्मच घी डालते रहें। ऐसा 2 से 3 बार डालने पर इसका कलर सही है। मैं अभी तक इसमें 2 चम्मच घी डाला है मैंने। इसको बिल्कुल स्लो आंच पे भूनिएगा और ऐसे दबाते दबाते ही भूनना है इसको, जिससे ये इवनली कुक हो और कलर जो है इसका इवनली आए। और बीच बीच में 1-1 चम्मच घी डालते रहें। ऐसा 4 से 5 बार इसमें करना है। अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रहे कि नीचे लगे ना, आप नॉनस्टिक पैन का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब जो इसका कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है, बट अब इसको और भूनेंगे हम। टोटल 6 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको भूनते हुए। अगर आज बीच में तेज हो जाए तो उसको बंद करके थोड़ी देर ऐसे ही चला सकते हैं, फिर कढ़ाई को ठंडे होने पर फिर ऑन कर लीजिएगा, बट इसके सेक का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 4 चम्मच घी डाल चुकी हूँ। अब इसको इस तरह से दबा दबा के इवनली कुक करें ताकि कलर सारा एक जैसा हो जाए इसका। अभी गोल्डन हो चुका है बट अब इसको और ब्राउन करेंगे। अब इसको लगातार हिलाते हुए चलाते हुए मुझे भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे इसमें दूध ऐड करूँगी। धीरे धीरे ऐड करना है नहीं तो इसमें लम्स बन जाएंगे। बिल्कुल इसको ऐसे ऐसे मिक्स करते रहें और धीरे धीरे इसमें ऐड करते रहें। इसको ऐसे दबा दबा के तैयार कर लें और अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अगर ये आपको ढीला लग रहा हो तो इसको ठंडा करने के लिए किसी खुले बर्तन में निकाल कर थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। बस ये ऑलमोस्ट डन है, अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच घी ऊपर से डालेंगे ताकि इसके शाइन और इसकी रिचनेस और बढ़ जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही इसमें कुटी हुई इलायची पाउडर डाल देंगे। और अब इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ठंडा होता है तो इसको पेड़े की शेप देकर तैयार। अब ये डो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। अब मैं इसमें देसी खांड ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसमें शुगर, पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं।
ये डो मैंने थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये सेट हो चुका है। अब आइए इससे पेड़े तैयार करते हैं। साइज़ बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। इसको ऐसे रोल करके आप चाहे पिसी हुई शुगर में इसको कोट कर लीजिए, मैं इसको कोकोनट पाउडर में कोट कर रही हूँ। बस ये तैयार हो गया हमारा मथुरा का पेड़ा। तो आप भी इसको जन्माष्टमी पे ज़रूर बनाएं और भोग लगाएं भगवान जी को। आइए इसे हम सारे पेड़े तैयार कर लेते हैं। सभी पेड़े मेरे बनकर तैयार हैं, आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये पेड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इस पेड़ों के भोग के साथ तुलसी ज़रूर रखें, इससे भगवान कृष्ण जी बहुत खुश होते हैं। तो आप भी बनाइए मेरी इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। और हैप्पी जन्माष्टमी। तो जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।